स्मोकिंग और ओरल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। धूम्रपान से आपके ओरल हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रोहन वीरानी। और स्मोकिंग के रिलेटेड नॉर्मली लोग सोचते हैं कि सिर्फ लंग्स ख़राब होते हैं, लेकिन क्या आपने ये कभी ध्यान में रखा है कि इससे आपका ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ किस तरह से ख़राब होता है। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्मोकिंग के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ओरल हेल्थ में। तो सबसे पहले तो स्मोकिंग के वजह से जो बैड ब्रेथ आती है, जाहिर सा बात है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो बैड ब्रेथ आएगी, हेलिटोसिस जिसे बोलते हैं, और काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन उस पर माउथ वॉश वगैरह करते रहते हैं, लेकिन जो स्मोकिंग है इसको बंद नहीं करते, तो बैड ब्रेथ जो है ये सबसे नंबर वन प्रॉब्लम है स्मोकिंग के साथ। साथ जो निकोटिंग स्टेन्स है, यानी कि दांतों के ऊपर स्टेनिंग हो जाता है, तो बैड ब्रेथ और ये स्टेनिंग की वजह से एक तरह से बोल सकते हैं कि सोशली आपका जो स्माइल है वो पूरा डाउन हो जाता है। लोग के करीब भी आप जाओगे तो अच्छा नहीं दिखता है, मुँह के अंदर स्टेन है, मुँह से बास आ रही है, तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिए। उससे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो आपके गम हेल्थ के ऊपर है, तो कंटिन्यू स्मोकिंग के वजह से मसूड़े जो है वो लूज़ होने लगते हैं, उस वजह से आपको डेंटल इश्यूज हो सकते हैं, दांत आपके लूज होके गिर भी सकते हैं, जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। तो स्मोकिंग डायरेक्टली अफेक्ट्स द गम्स, ये काफ़ी सारे इसका ऊपर लिटरेचर भी अवेलेबल है, तो स्मोकिंग से गम इश्यूज़ भी काफ़ी हो सकते हैं। स्मोकिंग जो मुँह के अंदर कंटिन्यूस हीट प्रोडक्शन करता है, उस वजह से आपको अगर कोई भी तरह का घाव होता है, जैसे मान लीजिए आपने डेंटल एक्सट्रैक्शन किया या कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है, यानी कि अल्सर हो गया मुंह के अंदर, तो उसका जो हीलिंग है वो भी काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाता है। तो स्मोकिंग में हीलिंग डायरेक्टली अफेक्ट होता है, जिसके वजह से आपका जो इनिशियल प्रॉब्लम है, यानी कि अल्सर है या कोई आपने एक्सट्रैक्शन किया उसका घाव है, वो काफ़ी हद तक डिलेड हीलिंग की वजह से पेनफुल हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आपने मुंह के अंदर इम्प्लांट्स यानी कि डेंटल स्क्रूज लगाए हैं दांत बिठाने के लिए, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि स्मोकिंग जो गम्स को अफेक्ट करता है वो इनडायरेक्टली फिर इम्प्लांट्स को अफेक्ट करता है, और इम्प्लांट्स में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि चलो मैं स्मोकिंग नहीं करूँ, वेपिंग कर लूँ, तो फ्रेंड्स उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, चाहे आप स्मोकिंग करो या वेपिंग करो, अल्टीमेटली दोनों जो चीज़ है वो सिमिलर इश्यूज़ क्रिएट करता है। तो स्मोकिंग और वेपिंग ना ही सिर्फ आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं, बट मुंह में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो स्मोकिंग के बारे में सोच रहा है या स्मोकिंग छोड़ने के बारे में सोच रहा है, तो ज़रूर ये उनको वीडियो दिखाइए, जिससे उनको भी एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह मल्टीपल लेवल्स पर स्मोकिंग और वेपिंग से ना ही सिर्फ लंग्स अफेक्ट होते हैं, बट ओरल कैविटी अफेक्ट होता है, आपका सोशल लाइफ अफेक्ट होता है, आपका हीलिंग अफेक्ट होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम अफेक्ट होता है, मल्टीपल लेवल्स पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है सिर्फ स्मोकिंग और वेपिंग के वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि स्मोकिंग के बारे में ये जो वीडियो बनाया वो आपको बहुत काम आया रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपका अगर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है जिस पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मेंशन करना। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।